हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज एक यूनानी की मेडिसिन है इत्रिफल किशनीजी नाम की, तो इसके बारे में मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ। इत्रिफल, इससे पहले मैं बता दूँ, यूनानी के अंदर जो मेडिसिन होती है उसका जो नाम रखा जाता है उसकी हिकमत मैं वक्तन फवक्तन आपको बताते रहता हूँ। यानी कि जो टैबलेट्स होती है उसको हब्बे कहते हैं, जो कैप्सूल होती है उसको कुड्स कहते हैं, जो सायरप होती है उसको हम शरबत कहते हैं, तो अलग अलग उसके नाम्स होते हैं। तो आज आपके सामने जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो इत्रिफल है। इत्रिफल का मतलब ये होता है, ये माजून की तरह ही होता है। इससे पहले जो कि मैंने जो कुछ माजून बनाया था, जैसे कि माजून सुपारी पाठ पे मैंने रिव्यू दिया था, तो इसी तरह ये भी माजून ही होता है। इत्रिफल का मतलब माजून से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इत्रिफल थोड़ा सा अलग कब हो जाता है कि इत्रिफल के अंदर तीन चीज़ें आप खास याद रखिए। तीन चीज़ें हर इत्रिफल, यानी कि इत्रिफल जो दवा होती है, तो तमाम इत्रिफलात के अंदर तीन चीज़ें यानी कि मौजूद होगी ही, उसके बेस पर ही उसको इत्रिफल कहते हैं। जैसे आयुर्वेदिक के अंदर एक आसान अंदाज में आपको समझने के लिए कहता हूँ, त्रिफला हम उसको यूनानी के अंदर इत्रिफल कहते हैं हिंदी में, और उसको आयुर्वेदिक के अंदर त्रिफला कहते हैं। इसका मतलब तीन चीज़ें इसके अंदर खास रहेंगी, या जिसको हम जुज़्वे खास बोलते हैं। एक है हलीला, दूसरा है बलीला, और तीसरा है आमला। ये तीन चीज़ें इसमें जुज़्वे खास के तौर पर रहती हैं, चूँकि इसके अंदर किशनीज यानी के धनिया मौजूद हैं, धनिया जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, इसके अंदर जुज़्वे खास हैं। और साथ ही इसके अंदर मौजूद है पोस्त हलीला जर्द, पोस्त हलीला खबोली, हलीला सिया, बलीला किशनीज खुश्क, शहद। शहद को और घी को इसके अंदर इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा खाने के अंदर यानी टेस्टलेस होती है, कड़वाहट होती इसके अंदर होती है, इसलिए ये जायके से इसका जायका बदले, इसका टेस्ट अच्छा आए, इसके लिए शहद का या फिर घी का या फिर कभी कभी जो है तो शुगर का ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसकी कॉम्पोजिशन और ये था इसका इंट्रोडक्शन कि इत्रिफल क्या होता है और इत्रिफल किशनी से क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके खास फ़ायदे क्या हैं। यानी इत्रिफल किशनीजी का जो सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा है वो आगे बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं इसके फंक्शंस आपको बता देता हूँ। तो हम लोग इसको यूनानी के अंदर कहते हैं मुखव्वे दिमाग है, कासिर रिया है, और मुखव्वे मैदा है। मुखव्वे मैदे का मतलब ये होता है कि हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइंस को और हमारे एब्डोमेन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो सिस्टम होता है उसको मजबूत। की वजह दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, फंक्शंस के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो रहा है। ये बहुत बड़ी लंबी बहस है, लेकिन इसको इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि अगर दिमाग की किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, क्रोनिक हो चुका है, या फिर सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है जो क्रोनिक हो चुकी है, यानी कि वो एंटीकोल्ड ले रहे हैं मेडिसिन तब भी वो यानी कि सर्दी ख़त्म नहीं होती है, बार बार जुकाम होना, बार बार जो तो छींकों का आना और नाक का बहना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम एलर्जी कहते हैं, सर्दी की एलर्जी हो गई है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए इत्रिफल किशनीजी का खास यूज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, ये हमारे मैदे के लिए मुखव्वे मैदा है, यानी के ताल्लुक से बताऊँगा, इंडिकेशन के ताल्लुक से बताऊँगा इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे ज़्यादा आप याद रखिए, इत्रिफल किशनीजी का जो इस्तेमाल है वो डाइजेशन के अंदर बहुत बेहतरीन माना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि क्रोनिक हेडेक है या सर में दर्द होता है, तो ऐसे वक्तों में इसका इलाज बहुत अच्छा है, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और साथ ही जिसको पुरानी जुकाम है, सर्दी है, नज़ला है, छींके आना, एलर्जी है, तो काफ़ी लोग इससे प्रॉब्लम में है और काफ़ी लोगों को इस तरह की तकलीफ़ें हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका है। मेरे अपनी प्रैक्टिस में मैंने इसके बहुत अच्छे अच्छे नतीजे देखा है। दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है, जो फ़ायदे इसके इंडिकेशंस बताया है, लेकिन आपको ये सिर्फ अपने डॉक्टर या मौलिज के मशवरे से ही लेना है, अपनी मन मर्ज़ी से आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तबीयत, तासीर, मिजाज, हर चीज़ में बहुत सारा डिफरेंस होता है, हर इंसान के मिजाज अलग होता है। तो इसी तरह से यूनानी नुक्ता नज़र से भी हर इंसान का मिजाज अलग होता है, और उस पर जो दवाई दी जाती है वो इंसान के मिजाज के हिसाब से, उसके तासीर के हिसाब से ही दी जाती है, इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे से ही हमको ये दवा लेना है। तो आपके डॉक्टर आपको इसका डोज बताएंगे, लेकिन इसका जो रूल है, एक्चुअली इसको 5 ग्राम रात में एट बेड टाइम यानी कि सोते वक्त लिया जाता है, कुनकुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं हम, वार्म वाटर।
तो दोस्तों ये थी क्लिप इतनी फल किशनी सी के ताल्लुक से। इस ताल्लुक से अगर आपको कुछ जहन में आपके क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।